بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم students, how are you all? I hope you will be doing good. Previously we have started new unit atoms. So we will continue from the last place where we left. This is just overview of previous topics. Okay, so today we will start with mass number. Last time we have discussed about the particles of atom, proton, neutron, electron, and their respective places where they are formed, then the shell, and then number of shell and number of electron in each shell. Today we will start with mass number. So mass number is also called atomic mass or atomic weight. The sum of protons and neutrons inside nucleus of an atom is called mass number. Mass number को हम atomic mass या molecular mass या atomic weight ये भी कहते हैं, इसके और नाम है. तो ये जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं, इससे जो वैल्यू आती है वो मास नंबर की होती है. जैसे ये लेफ्ट साइड पे आपको सोडियम का नज़र आ रहा है कि 23. सो 23 बेसिकली मास नंबर है, जिसमें 11 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है. तो दोनों प्लस हुए तो इससे 23 बना है. अच्छा, आइसोटोप्स, द डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोप्स, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. अब आइसोटोप्स, जब एक ही एलिमेंट के बहुत से वर्जन हो, उसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास जो या मास नंबर डिफरेंट हो, इसे आइसोटोप्स कहते हैं. जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो इसकी तीन आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. सो तीनों ही हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर सबका 1-1 है और मास नंबर एक का 1 है, फिर ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है. रेडियो आइसोटोप्स, मोस्ट ऑफ द एटम आर स्टेबल बट फ्यू आर नॉट. अनस्टेबल एटम ब्रेक अप इंटू स्मॉलर मोर स्टेबल एटम्स ब्रेक अप. रेडिएशन इज रिलीज इन अ प्रोसेस कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके. अनस्टेबल एटम्स आर एंड वी कॉल देम रेडियो आइसोटोप्स. एज वी सॉ विद कार्बन 14, द अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो आइसोटोप्स हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम स्टेबल आइसोटोप्स. अच्छा, रेडियो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स तो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया. रेडियो आइसोटोप्स वो होते हैं जिससे रेडिएशन होती है, जो अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं. फिर आइसोटोप्स के अंदर भी किस्में हैं ना, कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट फीचर्स हैं, लेकिन रेडियो आइसोटोप्स वो होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद आलमोस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं और वो उनका डिके भी होता है टाइम के साथ साथ. वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, उनके एटम्स टाइम के साथ ख़त्म होते रहते हैं. जैसे ये तीन नीचे डायग्राम में दी हुई है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. तो कार्बन 12, 13 जो है वो स्टेबल है और जो कार्बन 14 है वो रेडियोएक्टिव है और वो अनस्टेबल है. यूजेज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस गिव अ पार्टिकल एंड रेज दैट कैन बी हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स, बट रेडियो एक्टिविटी कैन बी आल्सो बी यूजफुल. वी यूज़ रेडियो एक्टिविटी टू हेल्प प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. वी आल्सो यूज़ इट इन मेडिसिन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. अब रेडियो आइसोटोप्स के बहुत सी यूजेज हैं मेडिसिन, मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल में भी और एग्रीकल्चर में भी. तो आगे जाके हम उन्हें पढ़ेंगे. एटॉमिक एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ सम रेडियो आइसोटोप्स कैन बी यूज इन द एटम्स ऑफ यूरेनियम 235 आर बम्बार्ड विद न्यूट्रॉन्स, दे ब्रेक डाउन प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी. ईच कोलिजन रिलीज एनर्जी इन न्यूक्लियर वेपन्स. The energy is released all at once and causes great destruction. In a nuclear power station, the reaction is carefully controlled. The energy is released slowly as a heat, which turns water into steam. The steam is used to turn a turbine connected to the generator and produce electricity. Some nuclear power stations use an artificial radioisotopes, plutonium 39 instead of uranium. Achha, so atomic energy. Atomic energy use kehte hai jo atoms. एटम से खारिज होती है.
जैसे कि एक एलिमेंट है यूरेनियम 235, ये एक रेडियो आइसोटोप है। तो इसको जब इसकी न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है इसके न्यूक्लियस को, उससे एक बड़े मिकदार में एनर्जी खारिज होती है, तो उसको हम एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसमें यही रिएक्शन होता है कि एक बड़ी न्यू एलिमेंट को ये ले लेती है जिसका न्यूक्लियस बड़ा होता है और जिसका एटॉमिक मास, उसको न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं और उससे फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये स्टीम के ज़रिए बिजली बनाते हैं, तो इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसके टेम्परेचर लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस स्टीम से फिर ये टर्बाइन चलती है और बिजली बनती है। कुछ जो स्टेशन है उसमें जो आर्टिफिशियल एलिमेंट है वो प्लूटोनियम, वो भी यूज़ होता है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि रेडियो आइसोटोप्स के यूजेज है, तो उसका सबसे पहला है मेडिकल यूज़। ईच टाइम अ रेडियो आइसोटोप डिके नेचुरली, इट रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। सच न्यूक्लियर बैटरीज हैव अ लॉन्ग लाइफ एंड कैन बी वेरी यूजफुल। दे कैन बी यूज इन हार्ट पेसमेकर, पेज 27। द पेसमेकर इज प्लेस इन साइड द चेस्ट वेयर इट डिलीवर अ स्मॉल रेगुलर इलेक्ट्रिक शॉक टू द हार्ट टू कीप इट बीटिंग। Tiny amount of radioisotopes can be injected into or swallowed by patient, which traced on computer screen the activity of the organ can be studied in this way. Certain strong radioisotopes can be used to destroy cancer cells inside the body without the use of surgery. Many medical instruments can be sterilized using radiation. अच्छा, इसमें मैंने आपको बहुत चार पांच यूजेस बता दिए। सबसे पहले तो ये पेसमेकर, हार्ट पेसमेकर। तो हार्ट पेसमेकर जो है हार्ट के अंदर वो फिट करते हैं और उससे उसकी जो बैटरीज होती है न्यूक्लियर बैटरी, उसमें लॉन्ग टर्म तक चार्ज बनता रह जाता है और वो हार्ट की हार्ट बीटिंग करता है। दूसरी जो इसकी है वो पेशेंट इसकी टाइनी जो पार्टिकल होते हैं वो खा लेता है, उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, फिर वो मशीन से देखते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को एग्जामिन करते हैं। तीसरी इसकी यूज़ ये है कि कैंसर सेल इसे डिस्ट्रॉय करती है, तो उसमें भी रेडियो आइसोटोप्स यूज़ होते हैं उस, और फिर कुछ मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको स्टेरलाइज भी करती है रेडिएशन से। इंडस्ट्रियल यूज, रेडियोस आइसोटोप्स आर ऑफन यूज इन इंडस्ट्री। गामा रेज वन काइंड ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, कैन पेनिट्रेट मेटल ईजीली। दे कैन बी यूज टू चेक फॉर लीक्स इन द पाइप्स एज वेल एज टू शो अप क्रैक्स and faults in the metal objects. Synthetic sheets of material allow less radioactive to pass through them. Tinier sheet they can be used to check and control thickness of material. अच्छा, इंडस्ट्री में तो इसकी बहुत यूजेज़ है कि, लेकिन हम यहाँ पर एक डिस्कस करेंगे जो गामा रेडिएशन है। ये मुख्तलिफ शीट से गुजार देते हैं, जो टाइनी शीट से तो उससे तो ये गुजर जाते हैं, लेकिन जो मोटी शीट होते थिक उससे ही नहीं गुजरते, तो इससे उसकी क्वालिटी चेक करते हैं जो गामा रेडिएशन है। इसके साथ ये कन्वर्ट बेल्ट होता है, उस पर ये शीट जाती है और उस पर ऊपर से रेट मीटर जो होता है डिटेक्टर, तो उससे इसकी क्वालिटी इंश्योरेंस चेक की जाती है जो शीट्स होते हैं। एग्रीकल्चर यूज़, अच्छा एग्रीकल्चर यूज़ में आपको जनरली बता दूंगा, इसको रीड करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये फास्फोरस 32 जो है, फास्फोरस 31, ये एज ए फर्टिलाइज़र जो एटम्स होते हैं ना, फर्टिलाइज़र के जो आइटम होते हैं उसमें इसे चेक करते हैं। अगर एक प्लांट है और उसमें फ्रूट नहीं होता, तो उसमें जो आपको पता है कि प्लांट में फ्लोइम जो होता है ना वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे मैं राइट साइड पे एक डायग्राम है, तो इसमें तीन पत्ती ग्रीन है बाकी खुश्क हुए हैं, इट मीन्स कि ऊपर खुराक नहीं पहुँच रहा। तो फास्फोरस 32 का इंजेक्शन प्लांट में किया जाता है और उससे फिर जिन जगहों पर ये ट्रैप हुआ होता है उन जगहों का पता चल जाता है इससे। दूसरा जो कार्बन 14 होता है, उससे आप रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग इसे कहते हैं, अगर एक प्लांट को हम काट लेते हैं और 1000 साल पुराना है, तो इसमें जो कार्बन 14 की मिकदार है वो देखी जाती है और उससे पता चलता है कि ये प्लांट जो ट्री थी कितने साल पुरानी है। अच्छा, तो यहाँ पर आपकी जो टॉपिक ख़त्म हो गया। लास्ट टाइम मैंने आपको जितनी असाइनमेंट की सेंड की थी आप लोगों ने की होंगी, आई होप। अच्छा, तो ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है कि राइट टू एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में रेडियो आइसोटोप्स के यूज़ इसके दो लिखनी है आप लोगों ने जस्ट। नंबर टू, राइट थ्री आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन की तीन आइसोटोप्स के नाम अगर लिख सकते हैं या केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं उसका,
तो आपने वो लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।